वर्ग कहते किसे हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या की वर्ग होती है। जैसे कि एक का वर्ग इसको हम लिख सकते हैं एक स्क्वायर यानी कि 1 × 1 बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे उत्तर आएगा 1 × 1 = 1, अर्थात 1 का वर्ग क्या हुआ? 1 हुआ। इसी प्रकार 2 स्क्वायर बराबर 2 × 2 बराबर 2 × 2 = 4, अर्थात 2 का वर्ग 4 हुआ। इसी प्रकार दोस्त 3 स्क्वायर बराबर 3 × 3, 3 × 3 का मतलब हुआ 3 × 3 = 9, तो 3 × 3 = 9, 3 का वर्ग क्या हुआ? 9 हुआ। इसी प्रकार 4 का वर्ग आ जाएगा 4 स्क्वायर बराबर 4 × 4 = 16, 5 स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25, 6 स्क्वायर बराबर 6 × 36, 7 स्क्वायर बराबर इसमें करना का है 7 को 7 से गुणा करना है, कितना आएगा? 7 × 7 = 49, यानी कि 7 का वर्ग क्या हुआ? 49 हुआ। इसी प्रकार 8 स्क्वायर 8 का वर्ग क्या होगा? 8 को 8 से गुणा कर दिया जाए, 8 × 8 = 64, तो 8 का वर्ग क्या हुआ? 64 हुआ। 9 का वर्ग 9 स्क्वायर बराबर 9 × 9 बराबर 9 × 9 = 81, और 10 का कितना आएगा? 10 स्क्वायर बराबर 10 दाम में 100, तो 10 का वर्ग क्या हुआ? 100 हुआ। आपको एक काम करना है, 10 से 30 के बीच की सभी सम संख्याओं का वर्ग याद करना है। सम संख्या किसे कहते हैं अभी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, 10 से 30 के बीच में जितनी भी सम संख्या हैं उनका वर्ग याद कर लेना है इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 10 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का वर्ग याद करो। अब सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। और इसमें कौन सी सम संख्या लेनी है? 30 से लेके 10 के बीच की, 10 और 30 के बीच की। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? 12 आती है दोस्त, 12 जो है 2 से कट जाती है, 2 × 12, इसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 22, इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है। अब इसमें हम एक बता रहे हैं जैसे कि 12 का वर्ग निकालना है, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा, 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 का गुणे गुणा 12 से हो जाएगा 144, तो 12 का वर्ग क्या हुआ? 144 हुआ। अब हमें जिसे निकालना है 20 का वर्ग, तो 20 को 20 से गुणा कर लेना है, 20 × 20, 20 को 20 से गुणा करते हैं उत्तर आता है 400। ठीक, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं 30 का वर्ग, 30 × 30 बराबर 30 को 30 से गुणा करेंगे आएगा 900, तो 30 का वर्ग क्या होता है? 900 होता है। ठीक, अब इसमें जितनी भी संख्याएं बचती हैं आपको निकाल लेना है। फिर अगली है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और इसमें कहाँ तक निकालना है? हमें 10 से लेके 80 के बीच में जितनी भी संख्या हैं उनका वर्ग ज्ञात करना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे यानी अपने आप से कटे उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब 10 से अगर हम चालू करें तो जैसे पहली संख्या मिलती है हमें 11, अब 11 जो संख्या है ये जो है 1 से कटेगी
या फिर 11 से कटेगी। तो 11 एक अभाज्य संख्या है। अब इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो 11 स्क्वायर 11 गुणे 11 बराबर आ जाएगा 11 का गुणा 11 से 121। इसी प्रकार अगली संख्या इसमें एक अभाज्य मिल जाती है 13। 13 भी एक से कटती है और स्वयं से यानी 13 से कटती है, इसके अलावा और किसी से भी नहीं कटती है। तो यहाँ पे हम लिखते क्या है, 13 गुणे 13, 13 का 13 से गुणा करते हैं आता है 169। अब इसी तरीके से आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है 10 से 80 के बीच में, और उसका आपको वर्ग निकाल लेना है।